देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते नए मामलों के बीच गाजीपुर में भी कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को सुबह आई एक रिपोर्ट ने फिर गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के मीटर को उछाल दिया है। पिछले 24 घंटे में गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले देखने को मिले हैं। इनमें 4 मामले तो एक ही गांव के हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी मौर्य ने इन मामलों की पुष्टि की है। इन मरीजों का सैंपल 27 मई को जांच के लिए भेजा गया था। इन 7 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 4 जिले के नसीरपुर सुरवत गाँव के हैं। आइए आपको कुल मरीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। नसीरपुर सुरवत के अलावा लीलापुर गांव करंडा से 2 और नारायणपुर करंडा से भी कोरोना संक्रमित 1 मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन मरीजों को मोहम्मदाबाद के कोविड 19 स्पेशल अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पड़ताल कर रहा है ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा रोका जा सके। इन नए मरीजों के मिलने से गाजीपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 131 और एक्टिव मरीजों की संख्या 63 हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले हैं। ये पिछले रिकॉर्ड से अधिक हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 8,909 नए मामले मिले हैं। कुल रोगियों की संख्या 2,07,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से देश भर में 217 लोगों की मौत हो गई है। इस संक्रमण से देश भर में अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजीपुर के ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।